ये अकबर नगर को अवैध निर्माण बताया गया है और इस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। आज भी लगभग 5 घर गिरा दिए गए, कुछ झुग्गियां गिराई दी गई और सबके चेहरे देखिए इस समय दहशत में है कि कभी भी इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बड़ा विशालकाय यंत्र आ चुका था, वहां से देखा गया कि 4-5 घर गिर चुके थे। भी देखिए बुलडोजर इस समय हमारे सामने है, देखिए इसका दहशत देखिए कि लोग उसी की तरफ देखने लगे कि पता नहीं है कि कब ये किस तरफ से कहाँ चल जाए। ये विनाशकालय यंत्र है, ये कहीं भी आ सकता है। अकबर नगर, वो अकबर नगर है जहाँ पर लगभग 2000 से भी ज़्यादा घर आप ध्वस्त होने के किसी भी कगार पे हैं। लेकिन हम आपको बताएं, सबसे पहले हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएं। सामने की तस्वीर देखिए और देखिए यहाँ पर पुलिस बल किस तरह से मुस्तैद है। देखिए कि हर तरफ आपको प्रशासन की गाड़ियाँ दिखेंगी, देखिए कि हर तरफ आपको बैरिकेटिंग दिखेंगे। देखिए एक गली है और ये गली आम लोगों के लिए है, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, इनके आवागमन पर रोक लगाया गया है। देखिए पूरी तरीके से ये रास्ता बंद कर दिया गया है और लगभग आगे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बैरिकेटिंग है, चारों तरफ इधर का भी रास्ता बंद किया गया है। तो ये अकबर नगर को अवैध निर्माण बताया गया है और इस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है, इसकी आशंका है। आज भी लगभग 5 घर गिरा दिए गए, कुछ झुग्गियाँ गिराई दी गई। आप इधर का एक तस्वीर देख रहे हैं, इसके जो सामने वाली रोड है उसके अंदर के तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक बंधा है जहाँ पर लगातार 5 से 6 घर गिरा दिए गए हैं। और अभी कोर्ट का आदेश आना था 4 बजे, क्या आया है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, वकील साहब हैं जो कोर्ट में अकबर नगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये तमाम जनता है अकबर नगर की जो इस समय सड़कों पर है, क्योंकि हर तरफ से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और इनको देखिए कितने दहशत में हैं ये लोग। ये इसी बस्ती में रहते हैं अकबर नगर, लगभग 2000 की संख्या में यहाँ घर हैं। कितने लोग रहते हैं और सबके चेहरे देखिए इस समय दहशत में हैं कि कभी भी इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बड़ा विशालकाय यंत्र आ चुका था, वहाँ से देखा गया कि 4-5 घर गिर चुके थे। लेकिन हमारे साथ इस समय SW बारी जी हैं जो कोर्ट में अकबर नगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर आज 5 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है, अभी क्या आज क्या रहा, क्योंकि आज 4 बजे का निर्णय बड़ा था। देखिए वो पिटिशनर नहीं थे, वो कोर्ट में अप्रोच नहीं किया, उनको गिरा दिया गया। कोर्ट ने एक आदेश किया था कि जो पिटिशनर नहीं है उनको LDA को छूट दिया था कि उनकी जो मर्जी है वो करें, और चूंकि पिटिशनर जो हैं उनको आदेश रिजर्व है, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश को रिजर्व किया है और उन्होंने एक आदेश भी दे दिया है कि उन पिटिशनरों को एकदम बिल्कुल आप छुएंगे नहीं, उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो जैसे हैं उसी तरह से रहेंगे जी। लेकिन एक बात बताइए सर, यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है हर तरफ बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग लगाई गई है, आखिर में ये बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई है? तो आम लोग हैं, अगर ये अवैध निर्माण है तो लोगों के आवागमन पे रोक क्यों किया जा रहा है? ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो मनमानी हो रही है। अभी आप हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ के लोग मौजूद थे, इंद्रमणि जी थे जो LDA के BC हैं, उनसे अभी हमारी बात हुई और नेहा त्रिपाठी जी थी, DCP मैम थी और लोग आला अधिकारी थे, उनसे बात हुई, उनसे बात रखी गई कि यहाँ पे जो बैरिकेटिंग कर दिया गया है इससे बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी कई लोगों को अटैक आया, वो हॉस्पिटल नहीं जा चुके, कोई डेथ हो चुकी है, बच्चों को स्कूल जाना है, दवा लेना है, सारी चीज़ें हैं। भाई एक इंसान है, उसके अपने जीवन की मुहैया सुविधाएँ एडजस्ट करता है, चूँकि यहाँ सारा सामान भी नहीं मिलता है, आगे जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो इस तरह से हमको तो ये परेशान किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है हमारे साथ। हमने अपनी बात रखी है कि ये बैरिकेटिंग हटाया जाए और रास्ते आवागमन छोड़ा जाए, बाकी जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा हम उसको स्वागत करेंगे, पूरी तरह से स्वागत करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं हैं भाई, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम प्रशासन से लड़ रहे हैं ना। लेकिन सर एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नदी नहीं, ये नाला नहीं नदी है, बताया गया कि ये अवैध निर्माण है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं 70 सालों से रह रहे हैं, तो ये फैक्ट को कैसे आप कोर्ट में वो कर रहे हैं? देखिए इस बात को हम लोगों ने पूरी तरह से रखी, कोर्ट ने हमारी बातों को पूरी तरह से सुना और यहाँ नदी नहीं है, ये नाला ही दर्ज था,
सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड मिले, बहुत पुराने रिकॉर्ड हम लोग लाए, नक्शे में था और सारी चीज़ों में था, नाला था और नाला कोर्ट ने मान भी लिया कि नाला है। और यहाँ लगभग आज़ादी के वक्त से पहले भी लोग रह रहे थे, आज़ादी के बाद से लकड़बग्घे लगते थे यहाँ के लोग बता रहे हैं हमको कि लकड़बग्घे हुआ करते थे यहाँ पे, कितने बच्चे उठा ले गए थे। बहुत पुरानी आबादी है, 70 सालों से आबादी है। लेकिन ये भी बताया गया कि झुग्गियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अंदर अंदर जाके जो है सिर्फ घर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं भाई, लोगों ने मेहनत की भाई, मकान बनाए सब लोग हैं, पूरी तरह से मकान अच्छे मकान हैं, अच्छे लोग भी हैं, सारी चीज़ें हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मजदूर पैसे के लोग थे जी। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये बताइए कि कब तक यहाँ के लोग ऐसे दहशत में रहेंगे? अब ये तो भाई कुछ बता हम नहीं सकते हैं, लेकिन दहशत प्रशासन को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में अगर कोई चीज़ पेंडिंग है तो उसको जब तक कोई नतीजा ना आ जाए, तो जब हर बार ये सर्वे करने के लिए प्रशासन क्यों आ जाता है? कल भी देखा गया सर्वे करने के लिए प्रशासन इसलिए आया कि थोड़ी गलतियां हमारी भी हैं, हम कोर्ट का अप्रोच नहीं कर पाए, हम जा नहीं पाए, हम लोग पूरी तरह से लगे रहे, बहुत पटिशनर गए, अगर ये लोग भी चले गए होते तो ये नौबत आज ना आती हमारे, जो ये प्रशासन माहौल बना रहा है। और हम प्रशासन से बहुत विनती करते हैं कि माहौल को थोड़ा ठंडा रखें, लोगों पे थोड़ा रहम करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहेंगे कि लोगों पे थोड़ा सा रहम कर दें, क्योंकि गरीब तबके के, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, मजदूर हैं, सारी चीज़ें हैं, मिट्टी तमाम हो रही हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, अटैकें आ रही हैं, सारी चीज़ें, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सारी दिक्कतें हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम अब बेटी कहाँ से बचा पाएंगे, बेटी कहाँ से पढ़ा पाएंगे, हमको कहाँ उठा के फेंक दिया जाएगा, इस तरह से दिक्कत हो रही है। आप तो खुद समझदार हैं सारी चीज़ों का, बाकी यहाँ के लोग भी हैं, निवासी हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बगल में भी हैं, आप और किसी से एक एक, एक और चीज़ हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह तक ये माहौल बनाया जा रहा था कि ये दुकानें तोड़ दी जाएंगी। नहीं, दुकान तो पटिशनर हैं, इनको कैसे तोड़ दी जाएगी? अच्छा। ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि पटिशनरों को कहीं से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, दुकान क्यों तोड़ देंगे वो? ये बिल्कुल, तो देखिए कह रहे हैं दुकान, लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, थोड़े जैसे आप हैं, आप भी व्यापारी हैं जी? अच्छा, व्यापारी है। ये बताइए, सुबह से ये माहौल बना रहा था यहाँ पे कि ये दुकानें तोड़ी जाएंगी, कई लोग दुकानों के आगे बैठ गए थे, सामान खाली करने लगे थे, तो ये कैसा माहौल बन रहा था? क्योंकि वकील साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है उच्च न्यायालय का उल्लंघन है पहली चीज, क्योंकि ये कल से ही दहशत का माहौल बना हुआ है, स्पीकर लगे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं ये दंगा ग्रस्त एरिया है कि आप रोड पे नहीं खड़े हो सकते, कहीं चार लोग, धारा 144 लगा दी गई हो अकबर नगर में, कोई कैजुअल्टी पुलिस के साथ हुई हो, कोई झड़प हुई हो, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। जब पिछली बार बुलडोजर चला था 21 दिसंबर को, तब भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कोऑपरेट किया गया था। पर यहाँ पे 21 दिसंबर से ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी इंसान ना सो पा रहा है, ना व्यापार कर पा रहा है, ना रह पा रहा है, किसी भी तरीके का कोई जहनी सुकून उसको है नहीं, और पूरी तरीके से प्रशासन तांडव कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि कई व्यापारी जो है इस डर में कहीं और अपनी दुकानें बना रहे हैं। व्यापारी दुकान बनाएंगे कहाँ से? इस गवर्नमेंट में क्या व्यापारियों के लिए बचा है? पैसा है क्या व्यापारी के पास? यहाँ पे आरोप लगाया गया कि 300 करोड़पति रहते हैं, एलडीए लिस्ट लेके आती है 73 लोगों की कोर्ट में, और कोर्ट में एक आदमी ऐसा आता है जिसका 0 turnover है और उसका 1,11,00,000 रुपया दिया जाता है। तो कोर्ट सुन रही है सभी को, पर उसके हिसाब से कोर्ट की ये लोग मान रही नहीं है किसी भी तरीके। देखिए जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि क्या खबरें, क्या क्या खबरें चल रही है, और सामने भी देखिए बुलडोजर इस समय हमारे सामने है, देखिए इसका दहशत देखिए कि लोग उसी की तरफ देखने लगे, कि पता नहीं है कि कब ये किस तरफ से कहाँ चल जाए, ये विनाशकालय यंत्र है, ये कहीं भी आ सकता है। लेकिन हमारे साथ कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो उनसे साफ तौर पे एक छोटा सा बयान लेंगे जी। आप भी मोहल्ले के हैं, आप हैं हमारे साथ, आप ये बताइए पंडित जी, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मंदिर है उसी मेन रोड के हम महंत जी हैं, बालाजी कृपा मंदिर से। अच्छा, जन्म से यहाँ रहते हैं, 60 साल की हमारी उम्र है। ये सरकार कहती है, ये जो कहा जाता है कि ये हिंदुत्व, यहाँ गवर्नर साहब ने बसाया था, ये आज़ादी के आसपास से सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और कोई कभी यहाँ दंगा फसाद नहीं,
सारे लोग बहुत ही प्यार से रह रहे हैं, मतलब हर आबादी यहाँ रहती है। हाँ, हाँ, हर हिंदू मुसलमान बिल्कुल रोड के ऊपर 5-5 मंदिर हैं। हाँ, और मस्जिद है, कोई किसी प्रकार का कभी आज तक कुछ भी नहीं कोई हुआ, हिंसा नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो आज इसको ये तूफान हुआ है, आज इसको अवैध बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये पूरा अवैध है, इसको गिरा दिया जाएगा, तो इसको लेके क्या कहेंगे लोग? सरकार तो कहती है कि जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, जो भी जिनकी संख्या भारी है, हम उनको पूरी तरीके से हर तरह का आश्वासन दे रहे हैं। हम सरकार का सम्मान करते हैं, उसने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत कुछ अच्छाई की है, लेकिन हमारे अकबर नगर के अंदर जो मुसीबत चल रही है आज कई महीने से, वही सरकार करी, अब यहाँ रिवर फ्रंट बनाएंगे। अब हमारे समझ में नहीं आता है कि अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई है जिसने यहाँ पर कुछ न किया हो, सब लोगों ने कुछ न कुछ किया है, तो तब आज हो करके इतना सब कुछ हो पाया जी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पत्थर भी आपको देखने को मिलेगा, इससे एक गली छोड़ के, जहाँ पर राजनाथ सिंह ने उस रास्ते का, उस सड़क का शिलान्यास किया था, और लगातार यहाँ पर आपको हर सुविधाएं मिलेंगी जो सरकार ने मुहैया करवाई है। इसको मलिन बस्ती भी घोषित किया गया, सब कुछ है यहाँ पर, टंकियाँ भी सामने अगर देखेंगे तो ये सरकार की ये लगी हुई टंकी है, ये जो जहाँ से लोग ये नलकूप लगा हुआ है, तो हर तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से ये बस्तियाँ जो हैं, इसमें बड़े बड़े मकान हैं, ऐसा भी नहीं कि यहाँ झुग्गियाँ हैं, 70 सालों से कई 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही हैं, बाहर कितने बड़े बड़े यहाँ पे दुकान हैं, हर चीज़ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन प्रशासन अपने फैक्ट के लोग के जो फैक्ट उसने रखे हैं कि यहाँ ये अवैध निर्माण है, ये भी कहा है कि यहाँ पे नदी है, ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है लगभग झुग्गियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है किस तरह का आज का जो आदेश रहा, आदेश में कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ है, जो पिछला आदेश था जिसमें ये कहा गया था कि अकबर नगर पे स्टे लगा है, जिन लोगों के मकान गिराए गए वो याचिकाकर्ता नहीं थे, उन्होंने याचिका नहीं दी थी, तो एलडीए ने उस पर बुलडोजर चला दिया है। अब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि लगातार दहशत का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है, 21 दिसंबर से ही यहाँ पर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, लगातार यहाँ पर जो है बैरिगेटिंग लगाया जा रहा है, तमाम आप स्पीकर देखेंगे वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, बीमार है लोग, स्कूल जाना है, राशन लेने जाना है, हर तरह की ज़रूरत की सामान लेने जानी है, लेकिन लोग नहीं जा पा रहे हैं। आज वकील साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बातचीत की है, अब देखिए उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या ये लोग दहशत से निकल पाएंगे, क्या ये लोग एक सफल, एक शांतमय जिंदगी जी पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी इनके लिए जिनका घर गिर गया उनके लिए तो काफ़ी दुख की खबर है। प्रशासन का भी पूरी तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं, कोई भी दंगा फसाद आप नहीं देखेंगे जब बल्कि इनके घरों को गिराया जा रहा है, इनकी गृहस्थी मिटाई जा रही है, लेकिन आप किसी तरह का आक्रोश नहीं देखेंगे।